इसी तरीके से हमको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा वक्त। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फ़िरक़ा नहीं था। अब फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे कि भाई आगे चलो, आगे क्या हुआ, फ़िरक़े कैसे बने। आज से कोई 30 साल पहले तक VCR का ज़माना था, जिसमें वो VHS की कैसेट VCR में लगती थी, तो उसमें जब जी चाहे आप रिवाइंड करके सीन देख सकते थे या फास्ट फॉरवर्ड कर लेते थे। इसी तरीके से हमको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा वक्त। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई फ़िरक़ा नहीं था। अब फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे कि भाई आगे चलो, आगे क्या हुआ, फ़िरक़े कैसे बने। फिर जब हम पता चलेगा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता फ़रमाया था, उसमें ज़ाहिरी तालीम के साथ साथ बातनी तालीम और नूर बनाने का तरीक़ा भी दिया था। इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, कि ज़बान हमारी हकीकतों का इकरार करे, जैसे कि अल्लाह एक है, ये ईमान नहीं है, ये हकीकत का इकरार है। जो आप ज़बान से कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो अभी ये ईमान नहीं है, अभी हकीकत का इकरार है। अफर्मेशन ऑफ द ट्रूथ, ये इकरार है, ये ईमान नहीं है। हमारे लोग इसको ईमान समझ बैठे हैं। तो ज़बान से अल्लाह का नाम लेना, ज़बान से कलिमा पढ़ना, ये तमाम चीज़ें हकीकत का इकरार है। ईमान कब होगा? वह तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, जब इसकी सच्चाई, जो कलमा पढ़ा है ज़बान से आपने, जब इस कलमे की हकीकत दिल में उतर जाएगी। ज़बान कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह और दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर उतर जाएगा, फिर ये ईमान हो जाएगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया लोगों को, तो ज़बानों को भी पढ़ाया, उनके दिलों को भी पढ़ाया। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई देखो, मन कुन तो मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू, कि जिस तरह मैंने तुम्हारी तरबियत की है और मैं तुम्हारा मौला हूँ, इसी तरह अली भी तुम्हारा मौला है, वो भी तुम्हारी तरबियत करेगा। तुम्हारी से मुराद आलम इस्लाम की। तो फिर जिन लोगों ने मौला अली को थाम के रखा, उनको मौला अली ज़बान से भी कलमा पढ़ाते रहे, दिलों से भी पढ़ाते रहे कलमा। और जो मौला अली से जुदा हो गए, अलग हो गए, वो सिर्फ ज़बानों से ही कलमा पढ़ा, उन्होंने दिलों में कलमा नहीं गया। जब ज़बान पर कलमा रहा और दिल में कलमा नहीं रहा, तो फिर दिल नूर से खाली होते गए ना। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि मन कुन तो मौलाहू फ़हाज़ा अलीयुन मौलाहू, कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। तो जब लोगों ने, मुसलमानों ने, सहाबियों ने जब हुजूर की इस बात को दिल से माना नहीं, तो उनके दिलों से नूर निकल गया, उनका ईमान सलब हो गया। जब उनका ईमान सलब हो गया तो वो फ़िरक़ों में पड़ गए। अच्छा, अब मौला अली को माना नहीं, बाकियों को मानते रहे, किताबों में हदीसें आ गई वो पढ़ते रहे, ज़ाहिरी तौर पर कुरान पढ़ते रहे। ये तमाम अच्छे काम तो हैं, लेकिन हर अमल में आपको ये याद रखना था इक़रारुम बिल्लिसान व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब, हर अमल में याद रखना था ये। दिलों से नूर निकलता गया, दिल खाली होते गए। अब फिर रोज़ों का, नमाजों का, तिलावत का क्या बना? वही नमाज के लिए शर्त है ला सलाता इल्ला बे हुज़ूरिल क़ल्ब। जब तेरे दिल से नूर निकल गया, दिल नमाज में गैर हाजिर हो गया, तेरी नमाजें ख़त्म हो गई, फिर नमाजों का तुझे फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब जो आपने सुननी है बात, उसको तवज्जो से सुनना है। किसी भी मसले में, जैसे मैं अगर ये पूछूँ आपसे कि यार ये आईफोन ऑन नहीं हो रहा, तो क्या करें? इंसानों की आदत है, ज़्यादातर इंसानों की आदत है कि अगर उन्हें पता नहीं भी होगा ना कि कैसे ऑन होना है, वो कोई ना कोई बात कहेंगे, अजी ऐसे कर लो, वैसे कर लो। ऐसी कोई ना कोई बात कहेंगे। तो अब जब लोगों के दिलों से नूर निकल गया और फिर मदरसों में कुरान वो पढ़ाने लगे जिनके दिलों में नूर नहीं था, फिर जब उन्होंने तफसीरें पढ़ी, आयतें पढ़ी, तो अब शैतान उनको मशवरे देने लगा। ख्यालात में शैतान के ख्यालात मिक्स होने लगे कि इस आयत का ये मतलब है, ये नहीं है। याद रखो, कोई मदरसा आपको फ़िक़ा नहीं दे सकता, कोई वली, कोई फ़कीर, कोई नबी आपको फ़िक़ा नहीं दे सकता। दीन की फ़िक़ा का ताल्लुक अल्लाह से है। जब इंसान का कल्ब जिंदा, बेदार और मुनव्वर हो जाता है, बाराने रहमत के लिए तैयार हो जाता है, तो फिर दीन की फ़िक़ा, कुरान की फ़िक़ा, अंडरस्टैंडिंग अल्लाह की तरफ से मोमिन के कल्ब के ऊपर नाजिल होती है। और अगर दिल में नूर ना हो तो फिर वो ख्यालात शैतान की तरफ से नाजिल होते हैं। अब जब शैतान की तरफ से नाजिल होते हैं तो उस बंदे को तो नहीं पता होता ना कि ये शैतान की तरफ से ख्याल आया है। वो समझता है ये इल्हाम है, इल्का आया है मेरे ऊपर अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से इल्का, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आता ज़रूर है, लेकिन उसका कानून है, जिसकी तरफ आएगा उसका कल्ब मुनव्वर होना चाहिए। जिसकी तरफ इल्का अल्लाह की तरफ से आएगा, इल्हाम आएगा, वो आएगा कहाँ? दिल पर। जिस तरह अगर किसी शहर में एयरपोर्ट ना हो तो जहाज किधर लैंड करेगा? भाई आप यहां से किसी मुल्क में जाते हैं, जहाज में बैठ के जाते हैं ना, लेकिन वो जहाज कहाँ लैंड आपके घर पे करेगा? एयरपोर्ट पे करेगा ना। फिर एयरपोर्ट से आप घर आएंगे। इसी तरह ये इल्हाम जो है वो कहीं और नहीं लैंड करता, पाक साफ दिल के ऊपर आके लैंड करता है। एयरपोर्ट तो होना जरूरी है, लेकिन एयरपोर्ट पर अगर रनवे खराब हो फिर भी जहाज नहीं उतरता ना। जहां पर जहाज ने उतरना है उस रनवे को सही बनाना होगा। जहां इल्हाम और इल्का ने उतरना है उस दिल को पाक साफ और मुनव्वर करना पड़ेगा। जब वो दिल पाक साफ होगा, मुनव्वर होगा, फिर तो कुरान पढ़, फिर अल्लाह की तरफ से उस कुरान की आयतों का माना नूर की सूरत में तेरे कल्ब के ऊपर उतरने लग जाएगा। कुरान मजीद में एक आयत आई कि और हमने कुरान मजीद को आसान बना दिया है, वलक़द यस्सरनल कुरान। तो उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि हमने ताकीद के साथ कुरान को आसान बना दिया। ओ भाई, जो माना तुम लोगों ने इस आयत के समझे वो ये था कि पढ़ना आसान बना दिया है? नहीं, समझना आसान बना दिया है। कैसे आसान बनाया? ओ तू किसी की तफसीर की तरफ नहीं जा, तू किसी मदरसे में नहीं जा, तू अपना दिल पाक कर ले, फिर कुरान पढ़, इसका माना अल्लाह खुद तेरे दिल पे उतार देगा। इतना आसान हो गया। तू अपने दिल को पाक कर ले। जब तेरा दिल पाक हो गया तो अल्लाह की तरफ से कुरान का जो माना है वो तेरे दिल के ऊपर उतरना शुरू हो जाएगा। और जब तेरे दिल में नूर नहीं होगा तो शैतान तुझे नए नए मफहूम कुरान के तेरे ऊपर उतारेगा। फिर तुम में से कोई मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी बन जाएगा, कोई मौलाना डीजल बन जाएगा, कोई मौलाना तकी उस्मानी बन जाएगा, कोई मोहम्मद अली इंजीनियर बन जाएगा। नए नए फितने आएंगे दुनिया के। इस तरह तुम्हारा दीन बर्बाद हो जाएगा। फिर तू किसी कुरान मजीद में सहाबा कराम की अज़मत बयान करेगा, फिर तू कुरान की किसी आयत से अपने फ़िरक़े को साबित कर देगा। शैतान सबसे बड़ा आलिम है ना, वो ऐसे ऐसे तुझे उल्टे सीधे गुर सिखाएगा कि तू लोगों के सामने आयतें रख के कहेगा, देखो कुरान कहता है कि सुन्नी सबसे अफजल है, देखो कुरान कहता है कि शिया सबसे अफजल है। तो ये सारी बातें किधर से आ रही हैं? ये शैतान की तरफ से आ रही हैं ना। तो फ़िरक़ा वारियत से नजात हासिल करने का वाहिद इलाज एक ही है कि इल्म बातिन के ज़रिए अपने दिलों को पाक साफ कर लेना चाहिए, ताकि उस पर अल्लाह की तरफ से इल्का, इल्हाम और फ़िक़ाए दीन नाजिल हो सके। जिसने अपने दिल को पाक साफ कर लिया वो फ़िरक़ेबाजी से निजात हासिल कर लेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बुखारी में भी आई है कि ऐ बनी आदम, तेरे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा ऐसा है कि अगर तू उसकी इसलाह कर ले तो तमाम जिस्म की इसलाह हो जाती है, और अगर वही फसाद में मुब्तला है, सारा जिस्म फसाद में मुब्तला रहता है। याद रख, वो तेरा कल्ब है। तो फ़िरक़ा वारियत से नजात हासिल करने का वाहिद इलाज इल्म बातिन में है कि आप अपने दिलों को रोशन और मुनव्वर कर लें। The place to connect with God.